social breakup, family breakups, how we have to overcome these problems, especially don't take it otherwise, as it is shown in the tips also that men, they are having this problem too much. So if we say that men are having this habit, it is not correct. We should overcome this problem and we should make it perfect. So I would like to invite Mr. Arun Nair to come and start the session along with us. Thank you, sir. आज मैं जो दो सब्जेक्ट आपको से डिस्कस करूंगा, आवाज थी ना, आप तो देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर दो सब्जेक्ट हैं, ईएमई एंड लॉ ऑफ पेंशन। पहले किसी ने सुना है ईएमई? ये वर्ड्स कभी सुना नहीं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी ने नहीं? फिजिक्स, ओके। ये दो सब्जेक्ट वो हैं जो हमारी लाइफ बदल सकते हैं, अगर हम चाहें तो हमारी लाइफ बदल सकते हैं। वन बाय वन मैं दोनों सब्जेक्ट के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। पूरा डिस्कशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इट्स बहुत हैवी है और पूरे दिन का एक दिन प्रोग्राम रहता है इसमें। मैं सिर्फ आपको क्लिप्स दूंगा कि हमारे साथ वो क्या रहा है और हम कहां कहां क्या क्या गलती करते हैं। जो चीज मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इस प्रोग्राम को पिछले 3 साल से मैं चला रहा हूं पैन इंडिया बेस पे, बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस में हम लोग कर चुका हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप लोग टीचर्स हैं, स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं, आज आपका सवाल जवाब देना है आपको। इधर से जो लोगों को बैठने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मैं इधर ही रहूंगा, आप लोग आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा दिक्कत होगी। सवाल ये है मेरा कि मोबाइल इंडिया में कब आया था, कितने साल हो गए मोबाइल को आए? लगभग 20 साल, ठीक है। अगर 20 साल पहले यानी कि 25-26 साल पहले हमें कोई ये कहता कि एक ऐसा फोन आएगा जिसे हम जेब में लेके घूमेंगे, क्या हम विश्वास करते हैं? नहीं ना। पर आज है, हम सबके पास है। आज जो टेक्निक्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो भी ऐसी है, आम आदमी तक पहुंचने में 25 साल लगेंगे, यानी कि आज आप लोग 25 साल आगे हैं इस टेक्निक में, क्योंकि आप पहली बार इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा भी कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। मेरी इंट्रोडक्शन में बहुत सारी साइंसेस हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूं, हीलर्स, बहुत से ऐसे लोग जो मेडिकल साइंस जिनको ये कह चुका है कि जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, मैं उनकी दवाइयां छुड़वा चुका हूं। क्योंकि सच ये है कि हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने ये जो शरीर बनाया है, जो हमें भेजा है, इसमें कोई कमी नहीं है, संपूर्ण है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमें कोई बता ही नहीं रहा कि हमें अपनी इंटरनल पावर को यूज कैसे करना है, इसीलिए हम बाहर भागते हैं। ज्वाइन द माइक्रो रेवोल्यूशन। माइक्रो रेवोल्यूशन मैंने इसको इसलिए दिया क्योंकि रेवोल्यूशन जो होता है वो हमेशा अंदर से होता है। क्रांति, रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति, क्रांति की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती। बाहर बाद में आती है, दिखाई बाद में देती है, बट पहले अपने अंदर से शुरू होती है। इसलिए हमने इसको नाम दिया माइक्रो रेवोल्यूशन, क्योंकि आज ये अगर रेवोल्यूशन होगा तो आप ही के अंदर से होगा।
बाहर नहीं होगा। What lies in front of us and what lies behind us are small matter compared to what lies inside us. हमारे आगे क्या हो रहा है, हमारे पीछे क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। और अंदर हम जा ही नहीं पाते क्योंकि अंदर जाने का मार्ग मालूम ही नहीं। वेलकम टू माइक्रो रेवोल्यूशन। What we are looking for? क्या चाहते हैं आप? इसके अलावा कुछ चाहिए? देखिए आप लोग टीचर्स हैं, मैं एक चीज चाहूंगा, आप लोग बड़ा इंटरेक्ट होकर बैठे, ऐसे ना बैठे कि कोई सजा नहीं मिली। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबको ऐसा लग रहा है कि कोई सजा में बैठे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। खत्म होने तक आप सबको ये लगेगा कि शाम तक भी चलते तो आप बैठ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब सजा में बैठे हैं। तो प्लीज ऐसे मत बैठे, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, ठीक है। बट वी आर लुकिंग फॉर हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, लग्जरी, गुड जॉब और कुछ। इसके अलावा भी कुछ चाहिए? मैं आप सबसे हाथ खड़े करवाऊंगा, हम बात करेंगे आपस में, ठीक है। और कुछ चाहिए? बैठे बैठे बोले कोई बात नहीं, चलेगा। पीस ऑफ माइंड, राइट, यस, रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन और ओके फाइन। अवर मेन एम टू रीच फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनईज टू स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि अगर हमने जो कुछ भी अभी बोला, अगर मैं एक वर्ड में उसको डिफाइन करूं तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में सब कुछ आता है, ठीक है, एग्री, आता है ना। यानी कि हम आज ये अनईज़ हैं, हमारे साथ, अच्छा चलिए एक बात बताइए, हम में से यहाँ कितने बैठे हैं, लगभग हर एज ग्रुप में हैं, बट हैं आप सब टीचर्स जो समाज को दिशा देते हैं, आप वो हैं। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको किसी भी तरह की कोई डिसीज है? डिसीज में मैं मान रहा था सबसे पहले ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम किसको है? सिर्फ हाथ उठाएं। ओके, डायबिटिक, माइग्रेन, कम करो, माइग्रेन, थायराइड, ओके, जेंट्स में किसी को कुछ नहीं? वेरी गुड, ग्रेट, चलिए। So, अनीस, हम इसी को अनीस कहते हैं कि हम, हमारे साथ ये जो डिसीज की प्रॉब्लम शुरुआत छोटे से शुरू होती है, देन धीरे 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 फिर वो मेजर डिसीज की तरफ चला जाता है। बट अगर हैप्पीनेस है तो कुछ भी नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, if we think, if we fix ourselves, everything else will take care of itself. Sorry, ये बात आप मानते हैं? छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ तो आपको ये पता किस तरह से हैप्पीनेस जो है हमारे इनसाइड होती है, या हम अपने आप को फिक्स करें कैसे करें। एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत अच्छी जॉब करते थे दोनों। हस्बैंड शाम को देर से घर आए, अक्सर देर से आते थे, छोटा सा बेटा था प्यारा सा। जब पापा घर आते थे तो बेटा कहता था कि पापा खेलना है, पापा इतने थके हुए होते थे कि उनके पास टाइम नहीं होता था, वो किसी ना किसी तरह बच्चे को घुमा लेते थे, पापा स्मार्ट होते। ये कई दिन से चलता रहा, एक दिन पापा थोड़ा जल्दी आ गए, थे वैसे ही थके हुए, बेटे ने फिर घेर लिया कि पापा आज मेरे साथ खेलना है। पापा को लगा कि आज मैं नहीं बचूंगा, बट क्योंकि स्मार्ट पापा थे, उनको तो आराम करना था। अब उन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर उठाया, उस न्यूज़पेपर पे एक वर्ल्ड मैप बना हुआ था,
उस वर्ल्ड मैप के टुकड़े कर दिए, बहुत सारे टुकड़े, और बेटे को दिया कि बेटा इस वर्ल्ड मैप को जोड़ के ले आ, जब तू जोड़ के लाएगा फिर हम खेलेंगे। अब पापा ने सोचा कि ये काम एक डेढ़ घंटे के लिए तो आराम करूंगा क्योंकि जुड़ना नहीं, पर स्मार्ट पापा का स्मार्ट बेटा था, दो मिनट में वर्ल्ड मैप जोड़ के ले आया। पापा हैरान, ये क्या हुआ? वो पूछा, बेटे से पूछा कि बेटा ये तूने दो मिनट में कैसे जोड़ लिया? बेटा कहता है, पापा इस वर्ल्ड मैप की पिछली साइड बैक साइड में एक आदमी की फोटो थी, मैंने उस आदमी को जोड़ा, दुनिया जुड़ गई। तो मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है? The same thing you discussed earlier, if we fix the problem inside us, everything will be fine. अगर हम अपने आप को जोड़ लें तो दुनिया जुड़ जाएगी, ठीक है ना? पर हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हमारी उंगली हमेशा ऐसे होती है। हम बचपन से ये जानते आए हैं कि ये तीन उंगलियां अपनी तरफ हैं, कमियां बाहर नहीं हैं, हमारे अंदर हैं, हमें वो अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, उंगली बारी रहती है ना। इसलिए हम अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते, अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते, हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, हम दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, अपने घर में, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को, पड़ोसी को, समाज को, गली के नेताओं, सबको ठीक करना चाहते हैं, सब गलत है, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। और ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। आइए देखते हैं, हू वी आर, कभी सोचा हमने किसी ने कि कौन हूं मैं? कभी ध्यान ही नहीं आता, क्यों आया हूं इस दुनिया में, क्यों भेजा भगवान ने मुझे, कौन है आप? कभी नहीं। We are human being first, then anything else, or we can say emotional being first, then anything else. Emotions की बात आ रही है, बात हो रही है EFT. EFT is a emotional freedom technique. World की, दुनिया की, ये वो therapy है जो जिससे किसी भी तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता है। It's a emotional freedom technique. Emotion भावनाएं, भावनाओं की हमारे समाज में कोई वैल्यू नहीं है, सही कह रहा हूं? वैल्यू है, है, वेरी गुड। वी टेंड टू इग्नोर अवॉइड इमोशंस एट ऑल लेवल, जिसकी वजह से होते हैं फिजिकल डिस्कम्फर्ट। अभी मैं डिस्कस करूंगा तो आप हैरान होंगे कि डिजीज, बीमारियां जो लेडीज को होती हैं वो लेडीज को ही होती हैं, जेंट्स को नहीं होती, और जो जेंट्स को होती है हार्ट अटैक जेंट्स को होता है, लेडीज को नहीं होता। सुना कभी लेडीज को जो हार्ट अटैक? कोई एक लाखों में कोई एक होगा, अदरवाइज किसकी है बीमारी? जेंट्स को। इमोशन काम करते हैं सर? अगर इमोशन की वैल्यू होती तो जेंट्स को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, लेकिन बीइंग अ जेंट मैं ये बात कह रहा हूं कि जेंट्स इतने ईगो से भरे हुए हैं कि हार्ट अटैक तो होना ही होना है। बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आज आपके सामने नहीं होंगी, लेडीज की ऐसी डिजीज जो सिर्फ लेडीज को होगी, थायराइड, माइग्रेन, ये लेडीज की बीमारी है, जेंट्स को नहीं होगी, बहुत कम, ये लाखों में कोई एक होगा। पर रीजन क्या है, क्यों होती है? अगर हम अपने आप को सिर्फ उतना जान लें तो चाबी आपके पास है। Let us see the unresolved emotional issues due to physical health, mental health. हमारी लाइफ के अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप, जितने भी चैलेंजेस हैं उनके पीछे इमोशनल कॉज हैं। बिना इमोशनल कॉज के प्रॉब्लम नहीं हो सकती, प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है।
हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इस चीज को जब सिखाते हैं तो आपके सामने वो सब चीजें प्रूव है कि ये क्यों हो रहा है. द डिस्कवरी देयर आर इमोशनल कॉज द अनरिजॉल्वड नेगेटिव इमोशंस टू बी प्रिसाइज बिहाइंड एवरी डिजीज एंड डिस्कम्फर्ट. इवन अगर आप अपनी लाइफ में अपने कैरियर में सक्सेस नहीं ले पा रहे देयर इज इमोशनल कॉज. प्रूव कर सकता हूं. Let us consider some of them. Diabetes. हमें से कुछ ने हाथ उठाया था. वो बता सकता है डायबिटीज क्यों होती है, शुगर होती क्यों जी? टेंशन. सही, टेंशन. ओ और कुछ डायबिटीज क्यों होती है? इमोशनल कॉज क्या है? देखिए क्या है इमोशनल. स्वीटनेस डिसअपीयर्ड. जिस दिन इंसान अपनी लाइफ के अंदर ये सोच लेता है ये जीना है, ये भी कोई जिंदगी है. जीवन से जीवन की मिठास, जिंदगी की मिठास चली जाना जिस दिन जाएगी उसी दिन डायबिटीज शुरू होगी. क्या आप में से जिस जिसको भी या और भी किसी को भी डायबिटिक है, आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिस दिन आपने ये डिसाइड किया. लाइफ क्या है? उसी दिन से आई है टेंशन, स्ट्रेस, उससे डायबिटिक नहीं होता. मेडिकल, जिस तरह आज आप टीचर्स बैठे हैं, मेडिकल डॉक्टर्स भी मेरे से ये टेक्निक सीखते हैं क्योंकि अब वो भी इस चीज को समझने लगे हैं. देयर इज इमोशनल कॉज. माइग्रेन था, किसी को हाथ उठाया था, बताइए इमोशनल कॉज. यस प्लीज, क्या रीजन बताइए.